बीरबल को कहा अपने बाप से मिलाओ। अरे बोले महाराज छोड़ दो, हम ही से मिल, हमारे जान खा के बैठे हुए, बाप को तो छोड़ो, हम इतनी चमचागिरी करते। बोला नहीं मिलाना पड़ेगा। बाप को बोला तो पिताजी डर गए, बोला क्या बोलेगा, हम क्या बोलेंगे अकबर से। बोला कुछ बोलना मत, चुप रहे। 3 दिन के बाद लेके आया, अकबर पूछे आइए कैसे हैं, चुप। तबीयत खराब है क्या, चुप। अरे किसी ने कुछ बोल दिया क्या, चुप। वो बोला जाए, कुछ बोले ही नहीं। तो अकबर भी तो खतरनाक था, उसने पूछा बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। कहा वही जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। अकबर को समझने में थोड़ी देर लग गई होगी, जैसे आप लोगों को लग गई। मूर्ख का पाला पड़े, चुप हो जाओ, जाहिल है। बादशाहत्व के घमंड में कुछ भी पूछ रहा है। पर ऐसो को इतना महान बना के रखा है हम लोगों ने, इतना बड़ा बड़ा बना के रखा है। 1656 1440 1545 2800 एक बार से इतने साल को ये रख दो कि लुटेरों का शासन काल था, हम बटे हुए थे जातियों में, इसलिए हमारे ऊपर ये शासन कर पाए, वरना हिंदू संस्कृति के ऊपर कभी कोई शासन नहीं कर पाएगा। ये सनातन संस्कृति, इस पर कभी कोई शासन नहीं कर पाए, हम बटे थे लोभ, इसलिए हो गया। बस इतना सा, इतने में खत्म कर दो इस इतिहास को, इतना से इतना हमारी इतिहास शुरू होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि, जन्मादस्य यतोनुदित चार्थे सुविज्ञ स्वरार्तेने ब्रह्मदायादि कवये मोहयन्ति यत् सूर्य तेजो बारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि, धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् शिवस्य साधु पुरुषान् जहिगाम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्तवासी वा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वासुर पापेभ्यो मुक्षिष्यामि मा शुच। हमारा इतिहास ये है, भाषा भी गायब, इतिहास भी गायब, ग्लानी में जी रहे हैं हम सब।